फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपका आज टुडे इज डे फोर। आज हम लोग डील करेंगे मार्जिन रिलीफ को लेकर। टुडे इज डे फोर एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन मार्जिन रिलीफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मुझे बहुत जगह से कॉल आया था इसके ऊपर वीडियो बनाइए। बाय मिस्टेक उस टाइम में बना नहीं पाए थे, कुछ बिजी थे, बट अभी जब मैंने जब मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है तो इसका वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने टैक्स के ऊपर रीड किया था, टैक्स कब एप्लीकेशन होता है, टैक्स के रेट्स क्या है, सरचार्ज कब कब एप्लीकेबल होते, वो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे मार्जिन रिलीफ को लेकर। तो स्टे टिल द एंड, बताइएगा कैसा लगा आपको। एक बार मार्जिन रिलीफ स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको मैं सरचार्ज का रिवाइज कर दे रहा हूं। सरचार्ज क्या है? अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज। फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़ रेट ऑफ सरचार्ज इज 10% ऑन द इनकम टैक्स। क्लियर है? अबव 1 करोड़ टू 2 करोड़, 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, एंड अबव 5 करोड़ सरचार्ज इज 37% ऑफ द इनकम टैक्स अमाउंट। तो सपोज कीजिए मेरा इनकम मार्जिनली इंक्रीज हो रहा है। सपोज कीजिए, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज कीजिए मेरा मेरा इनकम है, इनकम टैक्स सरचार्ज, इनकम टैक्स सरचार्ज, और ये आपका टोटल। देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। देखिए सपोज कीजिए मेरा मेरा इनकम है 50 लाख रुपीज, मेरा इनकम है डॉट 50 लाख रुपीज, तो सरचार्ज एप्लीकेबल है क्या? नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेबल कब होगा? जब आपका इनकम 50 लाख से अधिक होगा। मुझे आप ये बताइए कि 50 लाख के ऊपर कितना का टैक्स बैठेगा? देखिए 10 लाख के ऊपर बैठता है 1,12,500, 1,12,500 इज द टैक्स अमाउंट ऑन 10 लाख रुपीज। अबव टू 10 लाख 30%, अबव टू 10 लाख इज 40 लाख हो गया। तो 40 लाख का 30% दिस इज 12 लाख। कितना आपका आ गया? 12 लाख आ गया। तो कितना आपका आ गया? 13,12,500। माई टैक्स इज, माई टोटल अमाउंट इज 13,12,500। समझ में आया? अब देखिए सपोज कीजिए मेरे भाई का, मेरे एल्डर ब्रदर का, उनका इनकम है 51 लाख रुपीज। माय एल्डर ब्रदर इनकम इज 51 लाख रुपीज। अब बताइए उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? देखिए टोटल कितना आपका आएगा देखिएगा। तो मैंने क्या कहा था, 1,12,500 वो तो कॉमन ही है, और अबव टू 10 लाख, अबव टू 10 लाख कितना आपका आ गया? 41 लाख आ गया, 41 लाख आ गया। तो 41 लाख पर, एक मिनट रुकिए, 41 लाख पर कितना परसेंट? 30%। ये आपका आ गया 12,30,000, 12,30,000 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 12,30,000 प्लस में 1,12,500, कितना आ गया? 13,42,500। बताइए सरचार्ज कितना का होगा? 50 लाख से इनकम अधिक है, 50 लाख से 1 करोड़ सरचार्ज विल बी 10%। तो कितना का आपका आएगा? इसके ऊपर में 10% सरचार्ज हमेशा टैक्स के ऊपर में होता है। 10% कितना होगा? 1,34,250। बताइए टोटल लायबिलिटी कितने की होगी? 1,34,250, 13,42,500, कितना आपका आ गया? 14,76,500। अब बताइए तो मेरा इनकम कितना था? मेरे भाई का इनकम कितना मुझसे अधिक था? 1 लाख रुपीज मुझसे अधिक था, बट उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हो गई? इनकम कितना इंक्रीज हुआ? इनकम इंक्रीज आपका हो गया 1 लाख रुपीज, ठीक है। टैक्स कितना इंक्रीज हो गया? टैक्स आपका इंक्रीज हो गया, दिखाते हैं आपको। 14,76,500 माइनस में 13,12,500, 1,64,250। ये तो अनफेयर है, ये तो ना इंसाफी है। आपका इनकम बढ़ा 1 लाख रुपीज से, लेकिन टैक्स आपका बढ़ गया 1,64,250 से, ये कैसे हो सकता है? तो बेसिकली इतना होना नहीं चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, टैक्स आपका उतना ही इंक्रीज होगा जितना रुपया से आपका इनकम बढ़ा है, उससे अधिक इंक्रीज नहीं हो सकता। एकदम की पॉइंट, एकदम गौर से सुनिएगा, टैक्स आपका उतना ही बढ़ सकता है जितना रुपया से आपका इनकम बढ़ा है, उससे अधिक रुपया से टैक्स नहीं बढ़ सकता है। तो अब मुझे बताइए तुम, तो
इस केस में इनकम कितना आपका मैक्सिमम होना चाहिए था, 13,12,500, ये नॉर्मल हो गया, प्लस में 1 लाख रुपए, जितना रुपया से आपका इनकम बढ़ा तो कितना रुपया आपका आता, कितना रुपया आपका आता, ये आपका आता देखिए 14,12,500 इंस्पाइट ऑफ 14,76,500, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है। तो ये कंसेप्ट था मार्जिन रिलीफ का, ओवरऑल मैंने थोड़ा सा आपको हिंट्स में कहा। अब बताइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको और बेटर तरीके से बोलता हूँ। मैंने क्या कहा था, मार्जिन रिलीफ क्या होगी, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स लाइबिलिटी उससे अधिक नहीं बढ़ सकती है। वाह, कीवर्ड्स है, तो साइड ही हो गया। जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स लाइबिलिटी उससे अधिक नहीं बढ़ सकती है। मींस यदि आपकी इनकम बढ़ रही है 1 लाख रुपीज से, तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी 1 लाख से अधिक नहीं बढ़ सकती। समझ में आ गया। तो ये केस कब अराइज होता है, जब आपका इनकम मार्जिनली इंक्रीज होता है, जब आपका इनकम मार्जिनली इंक्रीज होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज कीजिए मेरा इनकम है, इनकम टैक्स सरचार्ज टोटल, सपोज कीजिए माय इनकम इज 100 लाख, मेरा इनकम है 100 लाख, तो बताना कितना रुपया टैक्स आएगा मेरे ऊपर में, 90 लाख का 30%, 27 लाख और 1 लाख 12,500, टोटल इज 28 लाख 12,500, ठीक है। सरचार्ज कितना होगा, सरचार्ज इज 10%, सरचार्ज इज 10%, तो सरचार्ज आपके आ जाएंगे 2,81,250। टोटल कितने हो गए, टोटल इस दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कीजिए ऐड, हम भी ऐड कर रहे हैं, 28,12,500 प्लस 2,81,250 कितने आपके आ गए, 30,93,750। अभी देखिए मेरे भाई का इनकम 101 लाख है, 101 लाख है, तो बताइए टैक्स लाइबिलिटी कितने की होगी, टैक्स लाइबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी बताइए। एक काम करें, इसको 110 लाख कर देते हैं, माय ब्रदर इनकम इज 110 लाख, तो बताना तो कितने से बढ़ेगी, आपका 10 लाख के ऊपर कितना होगा, 10 लाख के ऊपर आपका आएगा 1,12,500 और 100 लाख का 30%, 30 लाख हो गया, 100 लाख का 30% कितना हो गया, 30 लाख हो गया, तो 30 लाख प्लस में 1,12,500 मीन्स आपका 31 लाख, एक मिनट, 31,12,500, समझ गए। फिर से बोलता हूँ, देखिए 100 लाख का 30% 30 लाख हो गया और प्लस में 1 लाख, प्लस में आपका 1,12,500, प्लस में 1,12,500 कितना हो गया, 31,12,500। इसके ऊपर सरचार्ज कितना है, 1 करोड़ से ऊपर होने पर, 1 करोड़ to 2 करोड़ सरचार्ज इज 15%, ठीक है बाबू, तो बताइए कितना होगा, सरचार्ज इज 15%, तो देखिए कितना हो गया, 31,12,500 इंटू 15% कितना आ गया, 4,66,875, दोनों को ऐड कीजिए, 31,12,500 प्लस में 46,466,875, टोटल कितना हो गया, टोटल आपका आ गया 35,79,375। अब मुझे ये बताइए इस पर मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल है क्या, बताइए इनकम कितना मेरा इंक्रीज हुआ था, इनकम इंक्रीज हुआ था 10 लाख से, और टैक्स लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई आपका 30,93,750 माइनस में 35,79,375, 4,85,000 से, तो इसके ऊपर मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके ऊपर मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज
टैक्स लाइबिलिटी हैज नॉट इंक्रीज्ड मोर देन द इनकम, मोर देन द इनकम। तो ये नॉर्मली कब एप्लीकेबल होता है, जब कुछ मार्जिनली इंक्रीज होता है, जब कुछ यहाँ पर मैंने एक ह्यूज फिगर ले लिया तो इसलिए नहीं हुआ। यदि कुछ मार्जिनल, इसमें यदि मैं 101 लाख करता तब शायद इस पर एप्लीकेबल हो जाता। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, 101 लाख लेके चेक करते हैं। देखिए आइए, समझ गया ना। तो मार्जिन रिलीफ क्या हो गया, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि टैक्स लायबिलिटी इनकम, जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उससे अधिक टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो सकती है। आइए एक लास्ट एग्जांपल डील करते हैं, एग्जांपल थ्री। माय इनकम इज 1 करोड़, जैसे मैंने आपको कहा था 1 करोड़। माय अदर इनकम इज 1 करोड़ 10,000। समझ में आया। तो अब मुझे ये बताओ कि टैक्स कितना होगा। 1 करोड़ के ऊपर कितना होगा, 1 करोड़ के ऊपर आपका आएगा 28,12,500, 28,12,500। सरचार्ज कितना हो गया, प्रीवियस वीडियो हम लोग किए थे 2,81,250। टोटल कितना हो गया देखना, टोटल आपका हो गया 30,93,750। अब यहाँ पर देखो मैंने कितना कहा, 1 करोड़ 10,000। मुझे अब ये बताओ कितना रुपए इंक्रीज आपका होगा, 10,000 का 30% कितना हो गया, 3,000 इंक्रीज होगा। तो 28,15,500 ये मेरा टैक्स आ जाएगा। ठीक है, बताओ सरचार्ज कितना होगा। सरचार्ज आपका आएगा 15% इसका, 15% देखिए कितना आएगा, 4,22,325। देख लीजिए 28,15,500 इसका 15% 4,22,325 ऐड कीजिए दोनों के इनकम को, एक प्लस कीजिए कितना आपका आएगा 21,15,500। टोटल इज 32,37,825। अब मुझे ये बताओ इनकम कितना से इंक्रीज हुआ। इनकम इंक्रीज बाय 10,000 बट टैक्स कितना से इंक्रीज हो गया। टैक्स आपका इंक्रीज हो गया 32,37,825 - 30,93,750 1,44,000 से टैक्स इंक्रीज हो गया। पूरी तरीके से अनफेयर है। मैक्सिमम कितना टैक्स इंक्रीज हो सकता है, मैक्सिमम टैक्स इंक्रीज होता है 10,000 से। तो अब मुझे ये बताओ तो इस केस में कितना इनका टैक्स लायबिलिटी आएगा, इनका टैक्स लायबिलिटी आएगा 30,93,750 प्लस में 10,000 जो भी आपका आएगा, देख लेते कितना आएगा, 33,93,750 प्लस में 10,000 31,03,750। बच्चों इस बात पर आप ध्यान रखो, इस बात पर आप गौर करना कि टैक्स कभी भी इंक्रीज नहीं होगा इनकम से। तो ये सिचुएशन कब अराइज होता है जहां पर सरचार्ज एप्लीकेबल है और इनकम मार्जिनली इंक्रीज होता है। यहां पर इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सरचार्ज। तो उस केस में आपका मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल होगा। तो पहला की पॉइंट क्या होगा, मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल कब होगा, जब आपका सरचार्ज चेंज होता है उस समय मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल होगा। किस अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा, जो मार्जिनली थोड़ा सा अधिक है। यदि बहुत अधिक का डिफरेंस रहा, जैसे लास्ट सम में 10 लाख का डिफरेंस था तो मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल नहीं हुआ। बट इस समय क्या हो गया, मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल हो गया बिकॉज डिफरेंस अमाउंट सिर्फ 10,000 का था और टैक्स लायबिलिटी आपका 1,44,000 से इंक्रीज हो गया था। तो टैक्स लायबिलिटी मैक्सिमम कितना होगा, जितना आपका इनकम इंक्रीज हुआ है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, मेरे व्यूअर को ये समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से 2 करोड़ 5 करोड़ आप लोग सब इस एग्जाम्पल के साथ में डील कीजिएगा। लेटर पार्ट ऑफ माई
करीब 15-20-25 क्लासेस के बाद मैं इस सब टॉपिक को मैं फिर से आऊंगा डील करने के लिए, उस समय और बेटर तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। आज मैंने मार्जिन रिलीफ के कंसेप्ट को डिटेल में डील किया है। यदि आप पे कुछ क्वेरी है तो मुझे मेल करना, आप काइंडली पोस्ट भी कर सकते हो, जो आपका कमेंट भी कर सकते हो। आई लव टू रीड मतलब योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन इट। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।